दोस्तों, आज जो मैंने गुलाब जामुन बनाया है वो बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। शर्त लगा लो दोस्तों, इतनी इंस्टेंट रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हाय गाइस, चलिए गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने MTR का गुलाब जामुन मिक्स लिया है और इसे एक प्लेट में खाली कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। दोस्तों, आप चाहें तो मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर इसे एक अच्छा सा डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए हमें हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है और इसे तब तक गूंथना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। तो लीजिए, हमारा गुलाब जामुन का डो तैयार है। अब मैंने गुलाब जामुन बॉल्स बनाने से पहले अपने हाथों पे घी लगा लिया है ताकि हमारा गुलाब जामुन बॉल्स चिकना बनकर तैयार हो। इसी तरीके से मैंने सारे गुलाब जामुन बॉल्स को बना लिया है। मैंने लगभग 20 गुलाब जामुन बॉल्स को एक पैकेट से बनाया है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से इसका साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच घी डाला है। घी डालने से हमारी गुलाब जामुन और भी स्वादिष्ट बनेगी। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने गुलाब जामुन बॉल्स को धीरे धीरे करके इसमें डालना शुरू कर दिया है और मैंने इसे धीरे धीरे चलाकर सेकना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसे टिश्यू पेपर पे निकालना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, हमारी गुलाब जामुन बॉल्स कितनी सुनहरी लग रही है। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 800 ml पानी लिया है और दोस्तों, मैंने गैस के फ्लेम को ऑन रखा है। इसके साथ ही मैंने 2 कप चीनी डाली है। इसके साथ ही मैंने कुछ हरी इलायची और केसर डाला है। अब इसे मिलाने के बाद हमें 2 मिनट तक इसे उबलने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट हो जाने के बाद मैंने उबलती हुई चाशनी में गुलाब जामुन बॉल्स को डालना शुरू कर दिया है और मैंने एक एक करके सारे गुलाब जामुन बॉल्स को उबलती हुई चाशनी में डाल दिया है। अब इसे हल्का सा चलाकर एक आखिरी मिनट तक इसे बॉयल करने देना है। लीजिए दोस्तों, हमारी कमाल की गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।